चमन चितवन के अजीब किस्से भाग दो, मस्सा का एपिसोड 4। चमन जी मधु के घर भी जाने लगे। कई बार शाम की चाय और खाना वहीं होता। दोनों के बीच की झिझक मिटती चली गई। दोनों आप से तुम और तुम से तू पर आ गए। चमन चितवन जी तो मधु के अंदाज का उनके परफेक्शन के मुरीद हो चुके थे। घर के पायदान से लेकर पर्दे और टी ट्रे से लेकर कप चम्मच प्लेट सभी पर एक ही तरह के फूल छपे थे। डिजाइन सोफे के कुशन से लेकर तकिया चादर व रजाई कंबल सभी एक जैसे डिजाइन के थे। हे भगवान, आकर तुमने मेरी पुकार सुन ली, चमन जी मधु के घर में बैठे बैठे सोच रहे थे। सामने बैठी वह युवती अब किशोरी तो बन चुकी ही थी। आज उसने दो चूटियां की थी। चमन जी ने आते ही देख लिया था कि दोनों चुटियां समान रूप से मोटी लंबी हैं। मन ही मन बोले परफेक्ट। मधु भी चमन जी को देखकर यही सोच रही थी कि कमीज की दोनों जेबों में क्रम से लाल, नीला और काला पेन रखे हुए हैं। छह के छह पेन एक ही ब्रांड मतलब पाकर के ही थे। वह भी मन में बोली परफेक्ट। दोनों शादी करना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे। चमन जी को बस अपने घर के रेनोवेट होने का इंतजार था। लेकिन दुनिया बड़ी बेरहम है, किसी का बसता हुआ घर नहीं देख सकती। इनके प्रेम को ना जाने किसकी नजर लग गई। कप पकड़ाते हुए मधु का पल्लू गले से ढलक गया। चमन चितवन जी की नजर गर्दन पर पड़ी। हैरान हो गए, परेशान हो गए, देखते रह गए। गर्दन पर एक बड़ा सा मस्सा था, सिवाय मस्से के उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अपने चमन जी ने तुरंत ही गर्दन की दूसरी ओर देखा, घोर निराशा हुई। वहां कोई मस्सा नहीं था। मधु ने शर्म से लजाते हुए पल्लू ठीक किया, मस्सा ढक लिया। मैं तुम्हें बताना ही चाहती थी, धीमे से सफाई दी। चमन चितवन जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कप टेबल पर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ईश्वर को कोसा, इतने दिनों बाद किसी से मिलाया और ऐसा खेल रच दिया। वह किसी किशोर की तरह, पागलों की तरह मधु से प्यार कर चुके थे। लेकिन उस थियरी और फिलॉसफी का क्या जिसे इतने दिनों तक जिया था। कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। सामने के सोफे पर से उठकर मधु के पास बैठ गए। पूछा, तुमने कुछ किया क्यों नहीं अब तक? वह बोली, क्या क्या नहीं किया मैंने, मगर कुछ नहीं हुआ। चमन जी ने धीमे किंतु विश्वासपूर्ण स्वर में बताया, मैं होम्योपैथी के एक डॉक्टर को जानता हूं, उनसे मिलेंगे। कोई फायदा नहीं है, मैं सबसे मिल चुकी हूं। फिर दोनों की नजरें मिली, सहमति बनी। कई दिन इलाज चला मगर मस्सा वहीं का वहीं रहा। उसके बाद कुछ दिन आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज चला, लेकिन नतीजा नीलबट्टे सन्नाटा। अंत में सिर्फ एलोपैथी ही बची। कई क्रीम लगाई गई, कड़वी दवाएं खाई गई, कुछ ना हुआ। दोनों एक दूसरे को नजर भर देख भी नहीं पा रहे थे। किसी ने चमन चितवन को बताया कि लेजर इसका इलाज कर सकता है। मधु से बात हुई, लेजर के नाम से वह डर गई। डरने की कोई वजह चमन जी को समझ नहीं आई। उन्होंने बहुत समझाया मगर मधु नहीं मानी। लेजर नहीं तो नहीं, हंसती खेलती और बसती हुई जिंदगी लुटने लगी। चमन जी रोजाना समझाते, कोशिश करते, मगर मधु लेजर के नाम से ही डरने लगती, कांपने लगती। अरे कुछ नहीं होगा, बस एक किरण मशीन से निकलेगी और इस मस्से को जला देगी। नहीं 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 नहीं। एक दिन वे अकेले पुराने डॉक्टर के पास पहुंचे। कोई तो तरीका होगा उनके मस्से को बिना लेजर से निकालने का। डॉक्टर ने वही बात दोहराई, जो कुछ कर सकते थे कर चुके, कोई असर नहीं पड़ा। चमन जी मायूस हो गए, बोले, मस्से को हटाया नहीं जा सकता, समझता हूं, लेकिन क्या नया नहीं बनाया जा सकता? डॉक्टर ने अपना सर पीट लिया। वही रेमंड वाला किस्सा दोहराया गया। अब तक चमन चितवन जी का घर रेनोवेट हो चुका था। वे अपने घर चले गए। वहां सब कुछ व्यवस्थित था, समरूप और सिमिलर था। लेकिन अब चमन जी का दिल सही जगह नहीं था। वह ऑफिस से आते घर में अकेले बैठे रहते, कभी छत पर चले जाते, चंद्रमा को देखते हुए जागते रहते। कभी कभी वे मधु जी के घर भी जाते, मिलते, बैठते, बातें करते, मधु को समझाते और लौट आते। एक बार वहां लौट कर आए तो बड़े ही दुखी थे, मन बेचैन था। वे छत पर गए, चंद्रमा को देखते रहे। चंद्रमा के एक ओर चमकते हुए बादल थे, कोई और देखता था कुदरती सुंदरता को, निहारता, किंतु अपने चमन चितवन जी परेशान हो गए। परेशानी चंद्रमा की दूसरी ओर की खाली जगह थी, जहां पर बदली नहीं थी। वे चंद्रमा को देखते रहे, मन किया कि उड़कर आसमान में जाए, और वैसा ही एक बादल का टुकड़ा आसमान से ढूंढकर चंद्रमा की दूसरी ओर लगा दे, या फिर उस बदली को हटाकर कहीं दूर फेंकाए। मगर वे उड़ नहीं सकते थे। वे इंतजार करने लगे कि कोई टुकड़ा बादल उधर आकर लग जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। रात 3 बजे आसमान साफ हुआ तो चंद्रमा अकेला रह गया। चमन जी ने चंद्रमा के दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, जब तसल्ली हुई तभी नीचे आए। वे हार चुके थे, परेशान थे, एक किशोर की तरह बेचैन और तड़पते रहते थे। फिर गई रात किसी ने विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर के घर घुसकर उस पर हमला कर दिया। घर में सब कुछ सही सलामत था, चोरी और लूटपाट नहीं हुई थी।
गर्दन पर वार करने के पीछे हमलावर का क्या इरादा था, पुलिस जांच में लग गई। महिला प्रोफेसर अस्पताल में दाखिल। यह खबर अखबार में छपी थी। खबर पढ़कर चमन चितवन जी रो रहे थे। उनका दुख कोई नहीं समझ सकता था। उन्हें गहरा सदमा लगा था। धीमे स्वर में बड़बड़ा रहे थे, मैं तो बस उसका मस्सा काटने गया था। वह जाग गई और हड़बड़ाहट में सर्जिकल ब्लेड उसकी गर्दन पर लग गया। इस घटना के कुछ दिन बाद चमन चितवन जी और मधु मल्लिका जी ने शादी कर ली। मधु एक बार ही चमन की बात समझ गई थी। आखिर वह मधु मल्लिका से मिसेज चितवन बनने वाली थी। दोनों खुश थे। मधु जी की गर्दन में ब्लेड लगने की वजह से उधर एक उभरा हुआ निशान बन गया था, जो कि ठीक उसी स्थान पर था जहां पर गर्दन के दूसरी ओर मस्सा था। चमन चितवन जी कभी निशान को देखते तो कभी मस्से को। पाठक भाइयों, मैंने पहले ही कहा था, यह दुनिया बड़ी ही अजीब है और अजीब अजीब प्राणियों से भरी पड़ी है।